यहाँ मैंने फंक्शन दो फंक्शंस डिक्लेयर किए हैं, सम और सब्ट्रैक्ट। ऑब्वियसली आपको आइडिया हो गया होगा मैं मैथमेटिकल सब एडिशन और सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करूंगा यूजिंग दीज टू फंक्शंस। ये जो फंक्शंस हैं ये फर्स्ट कैटेगरी के हैं, विच मीन्स दे विल रिटर्न नथिंग एंड दे विल एक्सेप्ट नथिंग, ठीक है ना। मैथ डॉट एच, ठीक है। चलो यहाँ पे एक और फंक्शन मान लेता हूँ मैं, void POW, पावर। ओके सो अब आप देखना यहाँ पे मेन फंक्शन के अंदर मेरा काम सिर्फ ये होगा कि मैं इन फंक्शंस को कॉल करूँ, वेयर एज आउटसाइड मैं इनको डिफाइन कर सकता हूँ, जैसे फॉर void sum। अब देखो सिंस मैं अलग अलग फंक्शंस में हूँ तो मुझे वेरिएबल्स भी उस हिसाब से ही क्रिएट करने पड़ेंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल इंट ए कॉमा बी कॉमा सी, ठीक है। इसको मैं प्रिंट एफ में मैसेज डाल देता हूँ, एंटर टू नंबर्स सेंड डी और सेंड डी टू ए प्लस। सिंपल मैं एडिशन वाला प्रोग्राम बना रहा हूँ, बट इसके साथ मुझे आपको एक चीज और भी सिखानी है, ठीक है। हाँ एक्चुअली सौरभ मैं यही बताने वाला हूँ, आप नोट करो कि यहाँ पे जो मैंने वेरिएबल्स डिक्लेयर की हैं, दीज वेरिएबल्स आर नोन एज, दीज वेरिएबल्स आर नोन एज लोकल वेरिएबल्स, है ना। व्हाट यू मीन बाय लोकल वेरिएबल्स? लोकल वेरिएबल बिल्कुल जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है, ये वो वेरिएबल होते हैं जो कि एक पर्टिकुलर फंक्शन के ड्यूरेशन में ही एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है ना। जैसे मैंने इन फंक्शंस को, ये जो वेरिएबल्स हैं ए बी सी, मैंने इसको कहाँ बनाया है? सम फंक्शन के अंदर। तो इनकी एग्जिस्टेंस और इनका लाइफ टाइम इन्हीं ब्रैकेट्स के अंदर। इनफैक्ट अगर मैं इस चीज को कॉपी करूं और यहाँ पेस्ट करके सम की जगह सब्ट्रैक्ट लिख दूं एंड यहाँ माइनस कर देते हैं, तो कोई एरर नहीं आएगी। कंप्यूटर ये नहीं कहेगा कि आपने ए बी सी को पहले डिक्लेयर कर रखा है तो वापस से डिक्लेयर कर रहे हो आप, उसे एरर नहीं आएगी। बिकॉज ये जो ए बी सी है, इनका स्कोप, इनका लाइफ टाइम इसी ब्रैकेट के अंदर है, है ना। जबकि दूसरा जो ए बी सी है उसका लाइफ टाइम और स्कोप दूसरे वाले फंक्शन के अंदर है। बिल्कुल सही सौरभ, है ना। तो इस चीज को आप अपने एडवांटेज के रूप में यूज कर सकते हो, बट ये याद रखो लोकल वेरिएबल की वैल्यूज उसके स्कोप में ही एग्जिस्ट करती हैं। मतलब कि अगर मैं यहाँ पे ए को वैल्यू दे रहा हूँ 5, तो वो 5 यहीं पे एग्जिस्ट करेगा ए का, वो यहाँ एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर आप चाहते हो कि मैं मल्टीपल फंक्शंस के साथ वैल्यू शेयर करूं, तो यहाँ पे ऊपर देख रहे हो आप जहाँ पे आपने फंक्शन डिक्लेयर किया है, यहाँ पे आप अपना ग्लोबल वेरिएबल बना सकते हो, जैसे कि एंड रिजल्ट। अब ये जो रिजल्ट है ना, हाँ मेन के ऊपर, अब ये जो रिजल्ट है ना, इसको मैं कहीं भी यूज कर सकता हूँ, और अगर कोई फंक्शन इसकी वैल्यू ऑल्टर करता है तो वो दूसरे फंक्शंस में भी दिखेगा, ठीक है ना। पर दिस इज नॉट दी प्रॉपर वे, इसके बारे में अपन आने वाले टाइम में और डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो स्लोली, तो उम्मीद है आपको ये लोकल वेरिएबल का कंसेप्ट समझ में आया होगा। एक और फंक्शन मुझे बनाना है, void power, ठीक है। यहाँ पे मुझे दो ही वेरिएबल चाहिए, ए कॉमा बी, ठीक है। मुझसे किसी स्टूडेंट ने कहा था कि मैथ डॉट एच यूज करो, तो मैंने हेडर फाइल इंक्लूड कर दिया मैथ डॉट एच, और इसके अंदर एक फंक्शन होता है पावर POW। ये क्या कैलकुलेट करेगा? ये कैलकुलेट करेगा ए की पावर बी, ठीक है ना। क्या कैलकुलेट करेगा ये? इट विल कैलकुलेट ए रेस टू द पावर, ठीक है। अभी मैं इसको रन करूंगा तो ऑब्वियसली रिजल्ट कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि क्या भूल गया मैं, फंक्शन को कॉल करना। तो उसको मैं मेन फंक्शन में कॉल कर सकता हूँ, फॉर एग्जाम्पल इफ आई वॉन्ट टू कॉल सम, ये देखो सम फंक्शन पैरेंथिसिस लगाए सेमी कॉलन, फंक्शन कॉल हो गया। इफ आई वॉन्ट टू कॉल सब और POW, ऑर्डर वंस अगेन मायने रखता है POW, सॉरी फंक्शन का नाम पावर है ना, हाँ
आई रन दिस नाउ, मुझसे दो नंबर मांग रहा है और हर बार मुझसे दो नंबर मांगेगा जितनी बार फंक्शन कॉल होंगे. मैं शेयर नहीं कर सकता हूँ. हर लोकल वेरिएबल अपने फंक्शन के अंदर एग्जिस्ट करता है और उसके लिए वो यूनिक है. इफ आई एम राइटिंग 4, 5 तो देखो एडिशन आ गया. अब सब्ट्रैक्शन आ रहा है, मुझसे फिर वो नंबर मांग रहा है, ठीक है. एंड देन फिर से वो मुझे दो नंबर मांग रहा है पावर के लिए. आई विल राइट हेयर 2 and 3. ये 5 minus 5, 10 कैसे आ गया? वो इसलिए क्योंकि मैंने नीचे चेंज ही नहीं किया क्या? एक मिनट, आई एम कॉलिंग सम, सम आ गया. सब्ट्रैक्शन सही तो है, सही तो है, ठीक है. रन दिस अगेन, एक मिनट रुको. अब सही आ रहा है ना? एक्चुअली वो कंपाइलर का ही फॉल्ट था, पता नहीं क्या कर रहा था. थ्री फोर सेवन, फाइव माइनस सिक्स इज माइनस वन. और अच्छा, मैंने यहाँ पे क्या किया है, सी में इसको स्टोर नहीं किया. सी इक्वल्स टू पावर ए कॉमा बी, ठीक है ना. मैं यहाँ पे लिखना एक्चुअली सी भूल गया था. रन दिस अगेन, 4, 5 दैट इज 9, 8, 5, 3 बिल्कुल सही है, 4, 3, 64 ठीक है, है ना. हाँ एक्चुअली मैंने पहले वो, ठीक है, अब देखो बिल्कुल सही आ रहा है. मैंने यहाँ पे करेक्शन कर लिया एंड आप देख सकते हो कि रिजल्ट सही आ रहा है. तो हर ए बी सी अपने फंक्शन के लिए यूनिक है, ठीक है. ये आपके लोकल वेरिएबल हैं, जबकि यहाँ पे जो मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किया है ना, रिजल्ट कहाँ गया, वो ग्लोबल वेरिएबल है, ठीक है. इनफैक्ट मैं इसे कहीं भी चेंज करूंगा, इसका रिफ्लेक्शन दूसरे फंक्शंस में भी दिखेगा. फॉर एग्जांपल, इफ आई राइट हियर रिजल्ट इक्वल टू 9, तो इसके स्कोप में अब रिजल्ट की वैल्यू 9, ठीक है ना. अब मैं यहां पे फिर से रिजल्ट की वैल्यू चेंज करूंगा तो वो प्रीवियस वैल्यू ओवरराइट हो जाएगी, ठीक है ना. दैट इज द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल वेरिएबल. तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अगर आपको कोई वेरिएबल ऐसा बनाना है जिसे आपको सारे फंक्शंस के साथ शेयर करना है, तो यू कैन क्रिएट अ ग्लोबल वेरिएबल. और अगर आप चाहते हो कि फंक्शंस के बीच में शेयरिंग नहीं हो वैल्यूज की, तो आप अपने लोकल वेरिएबल बना सकते हो लाइक दिस, ठीक है. सो दिस इज योर फर्स्ट कैटेगरी. इसमें अगर किसी को दिक्कत है तो मुझसे पूछो. फर्स्ट कैटेगरी में किसी को अगर दिक्कत है तो नहीं है, बाकी स्टूडेंट्स भी बताओ भाई. हमारा सौरभ तो सबसे पहले समझता है, सबसे पहले उसी को ही समझ आता है, फटाफट से समझता है सौरभ. बाकी स्टूडेंट्स को भी मुझे कंफर्मेशन चाहिए कि सबको समझ में आया नहीं आया. अब आप देख सकते हो कि ऑब्वियसली ये जो तरीका है, नो रिटर्न नो आर्ग्यूमेंट, दिस इज नॉट द बेटर वे. ज्यादा अच्छा ये होगा ना कि अगर मुझे दो नंबर्स को ऐड करना है तो मैं बार बार उन्हें डिक्लेयर क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ये अलग से मेमोरी यूज कर रहे हैं, है ना. बार बार उन्हें डिक्लेयर क्यों कर रहा हूँ, क्यों ना मैं इन फंक्शंस में आर्ग्यूमेंट पास करूँ, पैरामीटर्स पास करूँ. जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ सम को कॉल किया है. काइंडली फोकस करो 11th नंबर लाइन पे, मैंने सम को कॉल किया है. तो क्यों ना मैं यहीं पे इसे हाथों हाथ वैल्यूज असाइन कर दूं, ताकि वो उन वैल्यूज को टोटल करे, है ना. के लिए मैं अब सेकंड कैटेगरी की तरफ मूव ऑन करूंगा. कौन सा? फंक्शन विथ नो रिटर्न बट विथ आर्ग्यूमेंट. हाँ नीरज, आप ऐसे भी कर सकते हो, आप रिजल्ट डिक्लेयर करके शेयर कर सकते हो, पर ये याद रखो कि वो ओवरराइट होता जाएगा, तो प्रोग्राम के एंड में वो सिर्फ वही वैल्यू शो करेगा जो कि उसको लास्ट वैल्यू थी, है ना. इस चीज का ध्यान रखना. अच्छा, सचिन पूछ रहे हैं
पावर का यूज बता देते हैं। देखो सचिन, एक अपनी हेडर फाइल है math.h, इसमें कई सारे मैथमेटिकल फंक्शंस हैं, फॉर एग्जांपल साइन, कॉस, डिग्रीज, रेडियंस में कन्वर्ट करना, इंक्लूडिंग कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल फंक्शंस होते हैं, पावर, SQRT, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो उनमें से एक है POW, POW मतलब पावर, और इसका लिखने का तरीका कुछ ऐसे होता है, POW फिर A कॉमा B। जैसे ही मैं ये लिखता हूँ ना, ये क्या करेगा, A की पावर B कैलकुलेट करेगा, और उसे आप चाहो तो किसी में स्टोर करा सकते हो, समथिंग लाइक दिस। तो व्हाट इट विल डू, ये क्या करेगा, ये A की पावर B कैलकुलेट करेगा और रिजल्ट को किसमें स्टोर कर देगा, C। तो अब जैसे मैंने यहाँ पे 2, 3 पास किया, तो ये क्या कैलकुलेट करेगा, 2 की पावर 3 विच इज 8, और ये किसमें स्टोर हो जाएगा, C में। यहाँ मैंने 43 नंबर लाइन में यही किया है, ठीक है ना। ओके, तो चलो अपन सेकंड कैटेगरी की तरफ मूव करते हैं। हाँ सर, बिल्कुल सही कह रहे हो, किसी किसी कंपाइलर में कोनियो प्रॉपर वर्क करता है, किसी किसी में नहीं करता, पर ये हेडर फाइल एग्जिस्ट करती है, ठीक है। आप इसे अपने लेवल पे, प्रोग्रामिंग लेवल पे आप इसे इंक्लूड करके यूज कर सकते हो, ठीक है ना। बट अपने केस में ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है ना, अपने केस में ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो इसलिए मैंने उस हेडर फाइल को अभी कंसिडर नहीं किया। बट इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उसे छोड़ दूंगा, क्योंकि आपके फर्स्ट ईयर के सिलेबस में है वो। तो मैंने यही सोचा है कि एक बार अपना थोड़ा ये टॉपिक्स कवर हो जाए, फिर अपन टर्बो सी पे चलेंगे, टर्बो सी पे। उसमें मैं आपको बताऊंगा कि वर्क कैसे करते हैं, और उन पे इम्प्लीमेंटेशन मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है ना। अच्छा, स्क्रीन क्लियर कर दिया। हाँ हाँ, वो तो है, वो तो है, ठीक है ना। तो अपन उस पे भी काम करेंगे, बट फॉर नाउ सिंस वो थोड़ा क्या है, पुराना है ना, इसलिए उसको शेयर करना थोड़ा डिफिकल्ट है, एंड यहाँ पे ब्राउजर में काफी इजी होता है। ठीक है, तो चलो बाकी अगर आपको क्लियर करना है, लिनक्स के अंदर क्लियर करना है, तो यू कैन क्लियर लाइक दिस। आप को क्लीन कर सकते हो, अगर आपको ब्लैंक स्क्रीन पसंद है तो, ठीक है। चलो अब सेकंड कैटेगरी की तरफ चलते हैं। देखो, अगर मुझे पैरामीटर्स पास करने हैं फंक्शन के अंदर, तो मुझे डिक्लेरेशन के टाइम पे ये स्पेसिफाई करना हो, ठीक है। तो रिटर्न टाइप तो वॉइड रहेगा, और फिर मेरा ये फंक्शन नेम है, और यहाँ ब्रैकेट्स के अंदर आई विल स्पेसिफाई माई पैरामीटर। ये जो पैरामीटर लिस्ट है ना, ये डेटा टाइप्स ही होते हैं, आपको बताना होगा कि किस टाइप की वैल्यूज आप बाद में पास करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा void sum, और इसके अंदर मुझे दो इंटीजर्स जोड़ने हैं, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, int कॉमा int। मैं एक से ज्यादा पैरामीटर्स पास कर सकता हूँ, मान लो कि मुझे सिर्फ एक फ्लोट वैल्यू पास करनी है, तो void sum float, ठीक है। फंक्शन के नाम सेम मत रखना भाई। अगर मुझे तीन वैल्यू पास करनी है, एक फ्लोट, एक इंट और एक कैरेक्टर, तो void sum to int float character, ये उसी ऑर्डर में वैल्यू लेगा जिस ऑर्डर में यहां पे आपने डिक्लेयर किया है, ठीक है ना। नहीं चेतन, एक्चुअली ओवरलोडिंग नहीं होगा, क्योंकि मैंने फंक्शन के नाम अलग अलग रखे हैं। देखो सम ये हो गया, सम वन ये दूसरा नाम हो गया, सम टू तीसरा नाम हो गया। अगर मैं सेम नेम रखता ना, तो ओवरलोडिंग हो जाता है ना। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है चेतन, आपको ये वाला कंसेप्ट आता है, क्योंकि काफी काफी पूछा गया है ओवरलोडिंग, ओवरराइडिंग वगैरह, है ना। सो वेरी गुड, तो चलो अपन डिक्लेयर करना आ गया सबको, किस तरह से हम डिक्लेयर करते हैं इसको, है ना। ये डिक्लेरेशन लिखी है मैंने, जब आप कॉल करोगे ना, तो यहाँ पे आप एक्चुअल वैल्यूज पास करोगे। जैसे सम फर्स्ट केस में इंटीजर है, तो 4.5, या फिर आप कोई वेरिएबल पास कर सकते हो जिनका टाइप इंटीजर है,
सम ए कॉमा बी, रो नहीं और, ठीक है। उसी तरह से सम वन, इसमें आप 45 पॉइंट वैल्यू पास कर सकते हो या फिर कोई वेरिएबल पास कर सकते हो जिसका टाइप क्या होगा, फ्लोट, लेट्स से pi। ये फंक्शन कॉल के टाइम में आपको बताना पड़ेगा वरना एरर आएगी, ठीक है। उसी तरह से सम टू 3.4.5, लेट्स से एक सिंगल कैरेक्टर, या फिर आप कोई नॉर्मल वेरिएबल्स पास कर सकते हो, a कॉमा pi कॉमा ch, ठीक है, जब आप कॉल करोगे। ये तो जब आप डिक्लेयर करोगे, है ना, और नीचे वाला जो लिखा है जब आप कॉल करोगे, और जब आप डिफाइन करोगे तब आपको ये ध्यान रखना है कि आपको वेरिएबल नेम्स असाइन करने हैं। तो void sum int let's say a comma int b, है ना, ये आपका डिक्लेयर हो गया। उसी तरह से void sum one, मेरे पास float pi, ये आपका दूसरा फंक्शन डिक्लेयर हो गया। और void sum two int a comma int b, नहीं float b pi comma char ch, कुछ इस तरह से, ठीक है ना। दिस इज डिक्लेरेशन, दिस इज फंक्शन कॉल, और ये क्या है, फंक्शन डेफिनेशन। अगर आप एक फंक्शन की कैटेगरी फॉलो कर रहे हो जिसमें आप नो रिटर्न विथ पैरामीटर, आप एक से ज्यादा पैरामीटर्स पास कर सकते हो, बस ये ध्यान रखना कि ऑर्डर मायने रखता है, जिस ऑर्डर में आपने पैरामीटर पास किए हैं उसी ऑर्डर में आप उस टाइप की वैल्यूज पास करना, ठीक है ना। और दूसरी चीज ये भी देखना कि यहाँ पे देखो मैंने लिखा है int a कॉमा int b, कई बार आपके दिमाग में ऐसा आएगा int a कॉमा b लिखना, तो जब आप पैरामीटर्स डिफाइन करते हो ना तो ये लाइन गलत है। पैरामीटर डिफाइन करते समय ये लाइन गलत है, जबकि दिस वन इज द करेक्ट, ठीक है। तो चलो अब अपन ने जो फंक्शंस बनाए हैं उनको अपन इस फॉर्मेट में लिखने की कोशिश करते हैं। क्लियर दिस, ये राइट कहां से आ गया, इंट सम, मान लो मुझे इंटीजर वैल्यूज ऐड करनी है तो इंट कॉमा इंट, सब्ट्रैक्ट int comma int, या float ले लेते हैं, float। आप variety of types भी ले सकते हैं, वो matter नहीं करता, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, int comma int, क्योंकि ठीक है। अब आप देखो ये किस तरह से highlight कर रहा है, underline कर रहा है, because मैंने यहाँ पे ऊपर declare तो कर दिया पर यहाँ पे values pass नहीं किया, मुझे values pass करनी पड़ेंगी, so I am passing 6.7, ऐसे कर सकता हूं, या फिर मैं वेरिएबल डिक्लेयर करूं int a कॉमा b float c कॉमा d, percent f percent f, है ना। और यहां सब के अंदर मैं c कॉमा d पास कर देता हूं, और पावर में मैं क्या पास करूं, a कॉमा b, वैरायटी पास कर दो a कॉमा 6, ठीक है। और a को मैं असाइन कर देता हूं 9, ठीक है। मैं हर तरह का वैल्यूज इनपुट या वैल्यूज को पुट कर रहा हूं ताकि आपको दिक्कत नहीं, ठीक है। तो मैंने यहां पे चार वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं, int a b c d, मतलब int a b और float c d, a को मैंने वैल्यू दे दी है 9 और c और d को इनपुट करवा दिया है। सम के अंदर मैं मैन्युअली डायरेक्टली 6 और 7 पास कर रहा हूँ, सब के अंदर मैं वेरिएबल पास कर रहा हूँ cd, और पावर के अंदर मैं मिक्स a पास कर रहा हूँ जो कि इंटीजर है, और 6 वैल्यू पास कर रहा हूँ, है ना। इस कंसेप्ट को क्या बोलते हैं, पासिंग द आर्ग्यूमेंट, है ना, या फिर आप पैरामीटर बोल सकते हो, ये दीज आर पैरामीटर, पासिंग द पैरामीटर, ठीक है।
ठीक है, पासिंग द पैरामीटर्स. अब देखो मैंने यहाँ पे 6 पास किया है, प्लीज समझे इसको, 6 पास किया है, पर यहाँ पे रिसीव करने के लिए कोई नहीं है. तो इंट ए कॉमा इंट बी, तो ये जो 6 है अब ए में चला जाएगा, ये जो 7 है ये बी में चला जाएगा. अब मुझे इनकी जरूरत नहीं है, अब डुप्लीकेट आ रहे हैं, आई विल रिमूव दिस, मुझे इसकी भी जरूरत नहीं है, है ना. उसी तरह से सब देखो, मैंने 2 फ्लोट वैल्यूज पास किए हैं सब में, तो फ्लोट सी कॉमा फ्लोट डी, मुझे अब ए और बी की जरूरत नहीं है, पर मुझे ए और बी तो जरूरत ही नहीं है, सी आर कर रहा हूं मैं क्योंकि रिजल्ट के लिए मुझे चाहिए ना कुछ, एंड आई विल रिमूव दिस. मुझे डी करना है और ये हो गया. जस्ट अ मिनट, मैं आपके डाउट्स डिस्कस करता हूँ, लेट मी जस्ट कंप्लीट दिस. और पावर में मैंने 2 इंटीजर्स लिए हैं, तो इंट ए कॉमा इंट बी, पेपर अच्छी तरह से इसको डिस्कस करेंगे, आई डोंट नीड दिस वन, और इनपुट कराने की भी जरूरत नहीं, ठीक है. अब आप देख रहे हो यहाँ पे क्या हो रहा है, चलो हाँ बिल्कुल सर, पासिंग द वैल्यू टू द फंक्शन या फिर पासिंग द पैरामीटर्स कहते हैं. नीरज एक्चुअली फ्लोट वैल्यू फ्रैक्शंस ही होते हैं, बाकी अगर आपको उसको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर फॉर्म में लिखना है ना, तो सी प्रोग्रामिंग में ऐसा कोई डायरेक्ट मेथड नहीं है. हाँ आप ऐसा प्रोग्राम बना सकते हो, आप ऐसा प्रोग्राम बना सकते हो जो कि आपके डेसिमल वैल्यूज को फ्रैक्शनल वैल्यूज में एक्सप्रेस करे. इसमें आपको न्यूमरेटर अलग से देखना पड़ेगा और डिनोमिनेटर अलग से मैनेज करना पड़ेगा, ठीक है ना. बिल्कुल बिल्कुल चेतन, एक चीज तो देखो, समझिए अब आप कैसे काम करेगा. मैंने यहाँ पे 3 फंक्शंस डिक्लेयर किए हैं, कौन कौन से, सम जो कि 2 इंटीजर्स लेगा, कौन से लेगा मुझे नहीं पता, तभी तो मैंने डिक्लेयर किया है यहाँ पे, सब जो कि 2 फ्लोट वैल्यूज लेगा, पावर जो कि 2 इंटीजर वैल्यूज लेगा, ठीक है. मेन फंक्शन में मैंने कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर कर दिए, ए बी इंटीजर टाइप के और सी डी फ्लोट टाइप के. मैंने ए को वैल्यू असाइन की है 9, और सी और डी मैंने इनपुट लिया है स्कैनएफ की मदद से, ठीक है. यहाँ तक तो मेरा नॉर्मल एग्जीक्यूशन जो था वो था. अब चलते हैं अपनी एक्चुअल प्रोग्रामिंग पे. आप एक चीज नोट करो कि ये सारे लोकल वेरिएबल्स हैं. देखो यहाँ पे मैंने int a भी लिया है, मैंने यहाँ भी लिया है, मैंने यहाँ पे cd लिया है, ऊपर भी लिया है, वो मैटर नहीं करता क्योंकि ये लोकल वेरिएबल्स हैं, ये कोलाइड नहीं करेंगे, ठीक है ना. सो इफ आई एग्जीक्यूट दिस लाइन क्या होगा, ये सम फंक्शन कब को कॉल करेगा और साथ में क्या क्या ले जाएगा अपने साथ, 6 और 7. तो ये जो 6 है ये देखो झूमता हुआ यहाँ पे ए में आ जाएगा, और ये जो 7 है ये झूमता हुआ यहाँ पे बी में आ जाएगा, ठीक है. अब ए और बी तो मिल गए, मुझे रिजल्ट भी तो कैलकुलेट करना है, इसलिए मैंने यहाँ पे लोकल वेरिएबल सी ले लिया है, और सी इक्वल टू ए प्लस बी. यहाँ मुझे इनपुट कराने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने वैल्यूज ए और बी को ऑलरेडी 6 और 7 असाइन कर दी. तो ये रिजल्ट क्या प्रोड्यूस करेगा, 13, ठीक है ना. हाँ प्रियांशी सही कह रहे हो आप, बट काइंडली नोटिस कि ये जो ए है ये कौन सा है, मेन फंक्शन का ए है, जबकि यहां ये जो ए है दिस इज सम फंक्शन ए. तो यहां पे जो ए है दिस इज कंप्लीटली डिफरेंट वेरिएबल फ्रॉम दिस ए, ठीक है ना, फ्रॉम दिस ए. आप नोट करो कि ए मेन फंक्शन के अंदर डिक्लेयर्ड है, जबकि ये वाला जो नीचे वाला ए है वो सम फंक्शन के अंदर डिक्लेयर्ड है, दोनों अलग अलग है, ठीक है ना. इसको ऐसे देखो, सेक्शन ए आपकी फर्स्ट ईयर में एक स्टूडेंट है जिसका नाम है प्रियांशी, ठीक है. सेक्शन बी है फर्स्ट ईयर में, वहां पे भी एक स्टूडेंट है जिसका नाम है प्रियांशी. तो अब अगर मैं सेक्शन ए क्लास में जाके शाउट करता हूं प्रियांशी, तो मुझे कौन जवाब देगा,
सेक्शन ए वाली प्रियांशी जवाब देगी ना मुझे, बी वाली थोड़ी जवाब देगी। तो यहाँ पे भी यही हो रहा है, हर फंक्शन का अपना वेरिएबल है और वो उसी में एग्जिस्ट करता है, ठीक है ना। हाँ आया समझ में? यस, व्हाट इज द डाउट? ये बीच में लाइन कहां से आ गई? एक मिनट रुको, तो जैसा मैं आपको कह रहा था सम 6 7, ये जो 6 है ये ए में जाएगा और 7 किस में जाएगा? बी में। उसी तरह से मैंने लिखा सब सी डी, तो यहां पे जो सी डी की वैल्यू, रिमेंबर द वैल्यू ऑफ सी डी, ये जाएगी इस वाले सी में और ये जाएगी इस वाले डी में, ठीक है। क्या जा रही है? वैल्यू ऑफ सी एंड डी, इसलिए पता है इसको क्या बोलते हैं? पासिंग बाय वैल्यू। नहीं राजेश, ए इक्वल टू 9 का यूज होगा, एक मिनट वेट करो, ठीक है, एक मिनट वेट करो। तो यहां पे जो सब है इसमें सी और डी की वैल्यू क्या होगी? वही वैल्यू जो यहां मैंने इस वाले सी और डी को दी है, है ना। हाँ बिल्कुल, इनडायरेक्टली दे रहे हैं, इट्स लाइक पासिंग द बॉल, है ना। आपके हाथ में क्रिकेट बॉल है, यू आर पासिंग दैट बॉल टू सम अदर पर्सन। तो यहां पे जो वेरिएबल सी है इसके पास कोई वैल्यू है, ये पास कर रहा है सब वाले सी को, ठीक है। मैं यहां लिख देता हूं, मेन वाला सी इज पासिंग द वैल्यू ऑफ सी टू सब वाला सी। कितनी क्लियर लाइन है, सी कॉमा डी इज पासिंग द वैल्यू ऑफ सी कॉमा डी टू सब वाला सी कॉमा डी। इससे ज्यादा क्लियर और क्या होगा? ओके, नेक्स्ट थिंग। अब आप देखो, यहां मैंने लिखा है पावर ए कॉमा 6, तो कोई मुझे बताएगा यहां पे ए की वैल्यू क्या होगी? यहां पे ए की वैल्यू क्या है? यहां पे ए की वैल्यू है, देखो यहां पे इस फंक्शन के अंदर ए की वैल्यू क्या है? ए, यहां पे ए की वैल्यू है 9। तो राजेश यहां पे जो ये 9 है, इसको मैं क्लियर कर देता हूं थोड़ा, यहां पे जो 9 है ये जा रही है पावर के पास, ये 9, ये जो ए है ये इधर जा रहा है। आप देख सकते हो लिटरली, ये देखो ये 9, ये 9, ये 9, ये 9, देखो जा रहा है ना, जा रहा है ना, ये देखो गया, ये जो 9 है अब इस वाले ए में ट्रांसफर हो गया। उसी तरह से जो दूसरी वैल्यू है 6, ये किस में जा रही है? बी में, ठीक है। अब ये ट्रेन के अंदर जा रही है इसलिए आपको दिख नहीं रही है, इसलिए मैं लिख नहीं रहा, ठीक है ना। तो अब ए की वैल्यू यहां पे क्या हो गई? 9, और यहां पे बी की वैल्यू क्या हो गई? 6, और अब ये 9 रेस टू दी पावर 6 कैलकुलेट करेगा और आपके रिजल्ट को शो करेगा, ठीक है। तो चलिए अब इसे एग्जीक्यूट करते हैं एंड लेट अस वेरीफाई द रिजल्ट। अब मैं रन करता हूं इसको, इट इज आस्किंग मी फ्लोट वैल्यूज, तो मैंने डाला 5.6 एंड 7.8 आ गया। सबसे पहले मेरा रिजल्ट आया 13, किसका? सम का, 6 प्लस 7, ठीक है। उसके बाद सब्ट्रैक्ट सी डी, 5.6 माइनस 7.8, तो नेगेटिव में 2.2 आ गया। और उसके बाद मैंने ए कॉमा 6 पास किया विच इज 9.6, तो 9 रेज टू दी पावर 6 इज 5,31,441। ये आपका देखो आंसर आ गया, यहां लिख देता हूं मैं, सब्ट्रैक्ट इज
is asking for values 6.7 and 5. ठीक है ना, 9 की पावर 6 ये रहा, सब्ट्रैक्शन ये रहा और सम ये रहा. तो अब देखो, आप वैरायटी ऑफ तरह से वैल्यूज पास कर सकते हो अपने फंक्शन के अंदर. जस्ट मेक श्योर कि आप जो आर्ग्यूमेंट्स पास कर रहे हो या पैरामीटर्स पास कर रहे हो उनका टाइप वही हो जो आपने डिक्लेयर करते समय बताया था. जैसे अगर मैंने सम को यहाँ इंट इंट बताया था तो इंट वैल्यू पास करो, फ्लोट बताया था तो फ्लोट, नहीं तो वो टाइप कास्टिंग कर लेगा. ओके, किसी को कुछ पूछना है, कोई दिक्कत? ये सेकंड कैटेगरी हो गई अपनी. हाँ नीरज, जो ये फंक्शंस है ना 14, 15, 16 लाइन में, ये हम फंक्शन ही कॉल कर रहे हैं. वी आर द प्रोग्रामर्स, वी आर कॉलिंग इट. तो जब भी मैं इन्हें कॉल करूंगा ये अपने करस्पॉन्डिंग डेफिनेशन पे जाके कैलकुलेशंस परफॉर्म करेंगे एंड देन वापस रिटर्न हो जाएंगे मेन में. हाँ बिल्कुल, मैं यहाँ पे वेरिएबल के नाम भी लिख सकता हूँ. जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया इंट ए और इंट बी, ये भी लिख सकता हूँ मैं, वो मैटर नहीं करता, बट मैं प्रिफर ऐसे करता हूँ. अगर यूजर को, देखो नीरज, आप कंट्रोल कर सकते हो कि कौन से फंक्शन को कॉल करना है. जैसे फॉर एग्जांपल मुझे सम फंक्शन को कॉल नहीं करना, ठीक है, मेरा मन है कि मैं सिर्फ सब्ट्रैक्शन और पावर चाहता हूं, तो आप इसको हटा दो, कमेंट कर दो, तो वो फंक्शन एग्जिस्ट तो करेगा पर वो कॉल नहीं होगा, इसलिए उसका रिजल्ट नहीं आएगा, है ना. देखो सिर्फ सब्ट्रैक्ट और पावर आ रहा है बिकॉज मैंने सम को कमेंट कर दिया. ठीक है देव, ये अपना सेकंड कैटेगरी है जिसमें आई एम नॉट रिटर्निंग बट मैं आर्ग्यूमेंट्स पास कर रहा हूं. ठीक है ना, 13th लाइन तो सिंपल स्कैनफ है. देखो ये स्कैनफ लाइब्रेरी फंक्शन है जिसके अंदर मैं दो इनपुट पास कर रहा हूं. ये देखो मैंने 4.5 और 4 पास किया ना इसमें, तो ये 4.5 सी के अंदर गया और ये वाला 4 डी के अंदर सेव हो गया. Actually 4.0 है ना. हाँ बिल्कुल नीरज, बिल्कुल चेतन, आपको वेरिएबल के नाम डेफिनेशन में देना जरूरी है. अगर मैं नहीं दूंगा तो वो इस बात को हाईलाइट करेगा. देख रहे हो, देखो कैसे हाईलाइट कर रहा है वो, रेड आ गया. मुझे वेरिएबल्स तभी तो, देखो मैं वैल्यू एक तरह से आप यही तो लिख रहे हो. ये देखो सम में, देखो आपने सम में देखो क्या लिखा हुआ है 6, 7, तो ये 6 अब कहां जाएगा? वेरिएबल का नाम तो बताओगे ना, ये 7 कहां जाएगा? वेरिएबल का नाम तो बताओगे ना, इसलिए यहां पे वेरिएबल के नाम देना जरूरी है. ए बी, ठीक है, अच्छा यूजर को अपने मन से पूछना है. तो आप देखो ये तो प्रोग्राम अपन बना चुके हैं ना नीरज, आपको याद है अपन ने स्विच स्टेटमेंट सीखा था. मैं केस 1 में सम कर सकता हूँ, केस 2 में सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ और फिर यूजर को बोलूँ कि कोई भी बटन प्रेस करो सम करने के लिए, 1 प्रेस करो सम करने के लिए, 2 प्रेस करो सब्ट्रैक्ट करने के लिए, 3 प्रेस करो मल्टीप्लाई करने के लिए. तब यूजर की चॉइस हो जाएगी, है ना. हाँ बिल्कुल नीरज, इफ एल्स भी यूज कर सकते हैं. इनफैक्ट अभी तक आपने जितने भी प्रोग्राम बनाए हैं ना उन सब में आप फंक्शन इंप्लीमेंट कर सकते हो सब में. तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जितने भी आप प्रोग्राम्स बनाओ, सब फंक्शन की मदद से बनाओ, क्योंकि फंक्शन सिर्फ सी तक लिमिटेड नहीं है, दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में भी बहुत ज्यादा रिपीट होते हैं फंक्शन. तो ट्राई टू राइट प्रोग्राम इन फंक्शन, ये बात मैंने आपको बहुत पहले भी बोली थी जब मैंने आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दिया था, बट चलो अपन फंक्शंस पढ़ रहे हैं तो